कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि अभी तो बच्चे हैं, अभी तो हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं, बड़े होंगे कर लेंगे। बच्चे ने अच्छी तरह मुंडी हिलाई, लतों बड़े ध्यान से सुन रहा। तो सोचते हैं बच्चे अभी तो हमारे खेलने खाने के देने कंचे खेले तो बड्डी खेले गुल्ली डंडा खेले, ये क्या भजन शिवरण की बात कर दी। ओ सॉरी, अब तो जमाने फोनवा का आ ही गया, अब तो गुल्ली डंडा गायब हो गया। फिर थोड़े से बड़े हो गए फिर कहेंगे अब तो हमारे पढ़ने पढ़ाने का दिन है, भजन कब करेंगे कर लेंगे, अभी तो बड़ी लंबी उम्र पड़ी है। और थोड़ी पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तैसे तैसे फिर और बंदा फंसता चला जाएगा। अब बीच में समय आएगा एक से दो हो गए, दो से चार हो गए, पता चला ये भजन कब करेंगे। हार के जब भजन करने का समय, उस समय हमें याद आ जाता है जब ये शरीर साथ छोड़ना शुरू कर देता है। हम छोटे थे ना, तुम भी हो गए, ये थोड़े तो तुम इतने बड़े पैदा हुए थे। हम मैं अपना बता सकते हैं किसी के क्यों गए। हम जब छोटे थे तो हमसे लोग पूछते थे बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तुम बड़े होके क्या बनोगे। तो समझ में नहीं आता था बड़े होके क्या बनेंगे। डॉक्टरी कर दी डॉक्टर बन गए वो भी छोड़े आए, टीचरिंग कर ली वो भी छोड़े आए, सब कुछ समझ में आ, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं गए। हम भी रईस थे दिल के बहुत, हम भी रईस थे दिल के, दिल की दुनिया लुटा बैठे, बस किस्मत कुछ ऐसी पलटी ऐसी पलटी, नंगी साहब गए और सरगंजा करा बैठे। अरे अब धंधा करा बैठे तो किसके लिए, आप लोगों के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने अगर ये दिया आप लोगों के लिए, अब इनको जो है मेरे साथ जोड़ने की बात है, अब इनको भी मेरा याद कराना भी भजन करना है। किसने, मन ने। ये नहीं कि हाथ से माला जप लेनी है वो कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं। भजन तो माला जपते रहो, माला तो हजार माला जप लो ना, और मन तुम्हारा जो कहीं, जैसे कई लोगों को मैंने देखा ओम जय श्री जगतार चाय बन गई स्वामी जय श्री जय, थोड़े समोसे भी ले आना, ऐसे कुछ नहीं बनने वाला। और तुम सोचो कि ये तुम्हारी आरती को बोले गुरुवार जी भी कहते चलो लगे रहो हिजा से, कुछ तो कर्म कर्म करते रहो, नहीं एक क्षण के लिए भी। तीन महात्मा हसु हसन और हसी, थोड़ा हंस लो तभी तो तुम्हारी नींद खुलने वाली है, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि स्वामी जी ने भजन करने की बात कह दी और हमें तो नींद ही आने लगे। तो ऐसा तो नहीं सोचते कि स्वामी लोरी सुनाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तीन संत हसु हसन और हसी, अर्थात तीनों अलग अलग कास्ट के, तीनों दोस्त थे बेचारे, तीनों अनपढ़। अभी बहन जी हमारी ममता बिटिया ने बताया ना अनपढ़ता, अगर दिल से उनका हो जाता ना वो अनपढ़ता भी जो है बहुत कुछ कर लेती है। तो वो तीनों महात्मा भी अनपढ़, और उनको प्रार्थना भी नहीं आती थी, बस मालिक से कहते थे देख हम भी तीन और तुम भी तीन। वो तो ईश्वर को मानते थे, तो उनके तीन का मतलब था ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते हम भी तीन और तुम भी तीन करके पर यही प्रेयर थी उनकी, हम भी तीन तुम भी तीन करके पा। जहां पे उनकी झोपड़ी थी वहां उस झोपड़ी के ठीक सामने एक चर्च थी, और उस चर्च पे जो पादरी था वो इन तीनों से बड़ा जेलसी करता था। अभी कमाल है, हद हो गई, मैं इतना सबको करता रहता हूँ, सारी प्रेयर कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, यहाँ इतने लोग नहीं आते हैं, ये तीनों तुम भी तीन हम भी तीन करके पा हम भी तीन तुम भी तीन, ये क्या तीन तीन का चक्कर लगाए रहते हैं और इनके यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बात क्या। एक बार वो वहां पहुंच ही गया शर्मो शर्मी, और उनके पास गया और जाके बोला ये तुम कौन सी प्रार्थना करते हो। वो बोले हमें कुछ आता ही नहीं, अनपढ़ अंगूठा चावल, वो भी हमें नहीं पता चलेगा कहाँ लगाना, पकड़ के तुम ही लगा देना कि यहाँ लगा दो कि यहाँ लगा दो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है अनपढ़। चलो तुम कहते क्या हो, कहते बस ठीक है हम उनसे ये कहते देख हम भी तीन है अनपढ़ है तो क्या है तो तेरे है, हम भी तीन और तुम भी तीन हो, अब एक एक को पकड़ के अपनी कृपा करते रहो। तो पादरी ने कहा बेवकूफ हो ये प्रार्थना, हम भी तीन तुम भी तीन करके। उसने चर्च की एक छोटी सी उसकी बाइबल की ना छोटी सी एक प्रेयर लिख कर दी, कहते इसको पढ़ो और याद करो। बोले पढ़े ना है, याद करवा खड़ा हो गया
तुम्हें का करवानी पड़ेगी। उसने याद करवा दी और वो बार बार रटने लग गया जो भी सिखाई थी उसको। रटता 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 जब पादरी ने देखा कि अब ये रटा गया, हो गई गाल, तो पादरी ने कहा बस अब ये प्रेयर करना, वो छोड़ देना। कहते ठीक है, और बेचारे रिपीट करते रहे करते रहे। पादरी चला गया, नदी पार करके जाना था। जब वो पीछे तीनों रिपीट कर रहे थे तो रिपीट करते करते वो बीच में एक लाइन भूल गए। सोचा अरे ये क्या हो गया, वो अभी यही कहीं होगा। दौड़ के गए, देखा वो नदी पे नदी तैयार कर रहा, पार रहा था, पार कर रहा था, नाव में बैठा हुआ। तो दौड़ के गए और उसको नाव के पास ही जाके रोका और बोला ओ भाई वो बीच की एक लाइन भूल गई, जरा बताइयो। पादरी ने उससे नीचे तक देखा और हाथ जोड़ लिए और कहा देखो मेरी प्रेयर में कोनो दम नहीं है, प्रेयर तुम्हारी ही जोरदार थी। हुआ क्या था, ये अगर लंबी चौड़ी प्रेयर करने वाला था वो नाव में था और ये हम भी तीन तुम भी तीन वाले जो बंदा था ना, ये तीनों के तीनों पानी के ऊपर खड़े थे। और ये सीन देख करके पादरी के होश उड़ गए, बोले भाई उनकी कृपा और तुम जानो हो जाने, तुम्हारी ही प्रार्थना दमदार है। प्रार्थना वही अच्छी होती है जो दिल से की जाए, सिमरन वही अच्छा होता है जो मन से किया जाए। अभी बीच में कुछ लोग मेरे पास चले गए थे, उधर पीछे लोग खेत में बैठे थे, कुछ गुरु महाराज जी की चर्चा चलती रही, उसके बाद में बस हम भी मनमोह जी हैं। मैंने कहा यहाँ पे सब लोग थोड़ी देर बैठ के ना हरिओम ओम का स्वर करेंगे, आवाज निकालेंगे जोर से, ये कुछ लोग बैठे प्रमोद वगैरह भी थे, तो वहां पे हम लोग जो है ओम की ध्वनि निकालने लगे। कुछ देर तक निकलवाई, उसके बाद मैंने कहा सारे अजपा में चले जाओ। जब उठाया मैं भाई कैसा लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि शांत वातावरण। और वो जो थोड़ा सा हुआ था भागना तो मन में था, मन तो उच्चारण तो ओम तो उच्चारण करवा करवा के हमने थका दिया और मन तो कहीं जा नहीं रहा था। और उसके पहले गुरुमा जी की चर्चा हो चुकी थी और मन बिल्कुल सेट बिल्कुल ठिकाने पे था, और जैसे अजपा में बैठाया वो सेट हो गया। तो प्यारे हमने केवल मन को सेट करना है सिमरन से, ऐसा तभी हमारा अच्छी तरह से कबूल होगा, क्योंकि हम मन से करेंगे तो